नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार, अभी काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ चैनल पे और काफ़ी लंबा समय हो गया था तो मैं अपनी खेत की कोई विजिट वगैरह आपको नहीं करा पा रहा था, तो अभी मैं अपने खेत की विजिट कराने के लिए आपके लिए लाया हूँ। आ जाओ भैया ज़रा। पहले तो वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, पर पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ। ये 98014 है जी। यहाँ पर ये खेत की मैंने तीन साइड बो रखा है, एक साइड कोई नया बीज है, ठीक है जी। और ये मैंने थोड़ा सा क्यों बो रखा है, दोरे पर बस 5-7 फुट बो रखा है। इसे बोने की वजह सिर्फ क्या है क्या नहीं मैं वो भी क्लियर करूंगा। अंदर की तरफ नई वैरायटी है, ठीक है जी। ये बीज अंदर है 14201 और इसे मैंने अंदर की तरफ लिया है। आ जाओ जी जरा एक बार देखो जी, ये वैरायटी है CULK कोलक 14201 जो कि लखनऊ की वैरायटी है और इसकी बुआई मैंने की थी ट्रेंच विधि मेथड में। ये 5 फीट के करीब है, 5 फीट के बोलिया मैंने ट्रेंच मेथड मैंने इसमें अपनाया है। और जो है 14201 सिंग बीज है जी, सीड एल जो मैंने लखीमपुर खीरी से अवेलेबल कराया है। और ये मैंने सिंगल पर प्लांटेशन की थी और खेत में कहीं ज़्यादा गैप होगा कहीं थोड़ा गैप होगा, बोने वालों ने थोड़ी सी ये गड़बड़ कर दी जो है, कहीं पर नज़दीक बो दिया कहीं को दूर बो दिया। नया बीज था, तीसरे दिन जाके खेत में लगा है तो थोड़ा कहीं पर गायब सा हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है जी, ये गन्ना है जी 1400 से। थोड़ा जूम में करके दिखाओ, जूम में लाओ जी। लो जी मैंने थोड़ा पत्ता उतार दिया इसका, अब आप देखो ये वैरायटी है 1400 से। बैठ के दिखा दो आराम से नज़दीक से। ये वैरायटी होगी जी 1400, करीब करीब 3.5 फुट का बन लिया है, ठीक है जी। और ये रहा, आ जाओ थोड़ा आगे को दिखा दो मुझे। तो जितना भी हो सका हमने कोशिश करी बीज लगाने की, तो बीज तो लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इसमें हरज मरज कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल डोज पे लेके आया हूँ जो प्राथमिक तौर पर बुआई के टाइम पे ले। डाई, पोटास, यूरिया, ह्यूमिक आपका रिजेंट होगा और थायो होगा, इस तरह की चीज़ें मैंने लगाई थी, हल्की हल्की मिट्टी थी और उसके बाद में मैंने इसको पानी लगा दिया था। ये प्रक्रिया तो थी उस टाइम पे। और इसमें घास बहुत ज़्यादा हो गया था और बाहर की तरफ से जैसे खेत ट्रंच का जब होते हैं टैट टाइप वगैरह करवाने की पर्पज़ से थोड़ा सा पोर्शन खाली छोड़ देते हैं ताकि फसल वगैरह ना टूटे, तो बाहर की तरफ मैंने वो खाली नहीं छोड़ा था। तो ट्रैक्टर एक बार तोड़ चुका था, दोबारा मेरे भी खेत में घुसाने की ट्रैक्टर हिम्मत नहीं पड़ी। दो बार मैं हर्बिसाइड मार चुका इसमें घास खत्म करने के, उसके बाद में इसकी जुताई शुरू हुई थी, बहुत ही ज़्यादा घास हो गया था। एक खुरपा मैंने इसमें खाली कटवाया, पत्ते पे किसी तरह की कहीं कोई स्प्रे नहीं मारी और अभी तक भी इस खेत में कोई भी क्या बोलते हैं इसे क्रोजन या क्रोजन जैसा कोई भी साल्ट इस खेत के अंदर नहीं पहुंचा। और इस गन्ने में जो लगी थी बीमारी जो आई थी सिर्फ पोका की लगी थोड़ी बहुत जो मार लगी, बाकी गन्ना निकल गया साफ चला गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने पत्ता तार रखा, इधर भी दिखा दो आप एक बार, 14201 बिल्कुल वाइट कलर में है, ठीक है जी। इधर भी दिखाओ जी 14201, ये रहा। इस बीज में खूबी हो रहा है जी, इसमें फुटाव की कहीं कोई समस्या नहीं आती। नज़दीक से दिखाओ थोड़ा, तार लो ना तार लो कोई फुटाव कोई समस्या नहीं, बिल्कुल 84-36 जैसी ही वैरायटी है, ठीक है जी। अभी बढ़वार बैग शायद इतनी हो पाई, शायद इतनी अच्छी गौर नहीं करी, बस जब नुड़वा देता जब तो माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें लगाई थी, वो भी नीचे की तरफ से, बाकी डाई वगैरह या पोटास वगैरह इस तरह कोई चीज़ मैं बाद में इसमें नहीं लेके आया। अभी इसमें हल्का भुड़का घास हो रहा, कहीं बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, कहीं से जो नई वैरायटी थोड़ा यहाँ की परिस्थितियों में डलेगी, ये समस्या भी थी, तो कहीं पर जमाव भी बीच में इसमें गायब रहा, पर हमने नई वैरायटी इसमें घुसाने की कोशिश नहीं करी। तो ये जितना भी है ये मेरे किसान भाइयों के लिए है, किसान भाइयों के लिए भी है, तो ये मील रेट पे है सबसे बड़ी बात। मेरी बाढ़ देख रहे थे लोग बाग, तो मैं कह रहा हूँ मील रेट पे किसान भाइयों के लिए ये बीज अवेलेबल होगा और 50-50 किलो, अगर किसान ज़्यादा आगे तो 50-50 किलो कमाए तो 1 क्विंटल कराने की व्यवस्था करूँगा। मेरे पास 2.5-3 बीघे है करीब, ये मैं भी चाहूँ तो मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, पर किसान के हालात या स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वो इसे बो सके ज़्यादा। भाई अपनी सुविधा के अनुसार बोलो, अपनी अपनी पूर्ति देख लो, आप आपकी पूर्ति हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई बात होगी, कोई नज़ला जुकाम होगा 38 को, पहली बात तो अच्छी चल रही, ज़्यादा मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, थोड़ी सी समस्या है पर ऐसा नहीं कि दूर नहीं हो सकती हो,
और जो लोग बोल रहे हैं 38 उस पर आगे वेंटिलेटर पे आगे, उनके लिए तो सीधा सीधा मैसेज है, वो कमी थोड़ी सी मारी रही, फसल चक्र वगैरह अब रहा नहीं। पहले जब 67 गन्ना चलता था उस टाइम पे आप लोग बोते थे क्या बोलते, दो बुग्गी खाद गेरते थे आप, 67-50-60 लगड़ का बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो गया। और वही प्रक्रिया आपकी वो अब हो रही है, आपको 12-14 साल हो लिए 38 बोते, वो अब भी वो दो बुग्गी काम करेगा क्या? अब जब 80-90-100 से भी ऊपर कहीं कहीं आप जा रहे हो तो जमीन में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो भी रखा तो उसका तो जो तेजी से बढ़ता है बहुत जल्दी दोहन कर रहा, गन्ना अच्छा बना था। बख्शी राम जी की सारी उम्र लगी थी इसे ईजाद करने में, बीज को बहुत अच्छी वैरायटी रही, तो थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक मैटर जमीन में बढ़ाया जा जिप जा चलेगी, क्योंकि जहां खासकर मैं देख रहा हूँ 38 में रोग नहीं आ रहे, वहां पे एक चीज मेरे सामने निकल कर आ रही है, देसी खाद जिसे गोबर का बोल देते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में गिर रहे हैं लोग बाग, उसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा। थोड़ा बहुत जो है हरज मरज आया तो पौधा जो है अपने पास अपने आप ही उसे रिकवर कर लिया, पोका सोका की मार लगी थोड़ी बहुत, हाँ सुंडी की मार थी, इमाम एक्टिन वगैरह काम करते हैं। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और दवाई कर रहे थे सुबह के टाइम शाम के टाइम दवा कर, यानी कि अगर दवाई 15 दिन काम कर रही तो दवा 10 दिन में बोल जा रही, ये समस्या आ रही थी। तो 38 कहीं नहीं आना, एक तिहाई मेरी बात हुई थी, मैंने बस बख्शी राम जी से चैट पे बात की थी तो उन्होंने साफ साफ बताया गन्ने का आधा गन्ना या एक तिहाई गन्ना आप बो हेक्सा टॉप में आप डुबो के रखो उसे रात भर, अगले दूसरे खेत में प्लांट करो, और जो है क्या बोला ट्राइकोडर्मा फफूंदी नाशक जब मिट्टी वगैरह चढ़ाओ उस टाइम पे इस्तेमाल, तो पोका वगैरह की मार नहीं लगेगी। और आपका ट्राइकोडर्मा वो है तीन तरह के काम करेगा आपका, सबसे बड़ी बात तो है फंगस नहीं लगने देगा, दूसरी चीज रिसाइकिल करेगा आपकी जमीन में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसे घोल के उन्हें खनिज पदार्थों में बदल के आपके पौधे को मुहैया कराएगा, और तीसरा काम करेगा पोका की मार निमटा पोके का, यानी कि जो भी है जमीन में पोका के नाम पे समूल नष्ट कर देगा उसे। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इस तरह की चीजें लगा। ये वैरायटी मैं आपको अल्टरनेट के तौर पे दिखा रहा हूँ, कुछ लोग 35 की बोतल लेके आगे जा रहे, ज्यादा ही आगे ले गए, मेरे कुछ भाई हैं बहुत ज्यादा आगे ले गए क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसकी जो समस्या की वीडियो थी वे मैंने बहुत सारी लगा दी दिखा दी, अभी और भी आएंगी बहुत, अभी तो बहुत बुरे रूप में है, वो भी देखने को आपको मिलना अभी। बाकी ये गन्ना जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, प्रोडक्शन अगर 10 क्विंटल कम भी रहेगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि रोग नहीं लगने का आपको देख के वो नहीं होने का, ये सीधा से साफ है। अगर पांच फुट भी आपने बढ़ा लिए तो 50 क्विंटल आपके गंडे कहीं नहीं गए एक बीघे में, और आपकी लगभग लंबाई ले सकता है आपके हाथ में कितनी भी लंबाई करा लो। वैरायटी बढ़िया है, किफायती है और ट्रंच में ज्यादा कारगर है, और बंधाई की जरूरत इस वैरायटी को बिल्कुल नहीं है। तो मेरे किसान भाई सबसे कम लागत का बीज ये नई वैरायटी में ये निकल के मेरे को सही लगा, और 15-0-23 में कुल मिला के ठीक ठाक निकल रही, उसके भी रिजल्ट तो ठीक है ना, मिल वाला भी खुश है इन दो वैरायटी में। 35 के बारे में तो शायद अभी कुछ कह नहीं सकता, क्या बोल ले क्या नहीं, कुछ भी कहना गलत होगा क्योंकि कोई प्रेस विज्ञप्ति के बारे तो कुछ निकली नहीं उधर से। बाकी ये वैरायटी मेरे को ठीक लगी, अच्छे से यहाँ की अभी दिखा दो एक बार, अच्छी से यहाँ की परिस्थिति में डली और काफी बढ़िया सर्वाइव ये कर रही है, ट्रेलिंग अच्छी बनी है, सिंगल बेड प्लांटेशन है, आप प्लांट भी देख लो कितने बन रहे, 3 और 3-6 प्लांट बन रहे हैं, और 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट जैसा उनका जी कर ऐसे उन्होंने बो दिया, गन्ना अच्छा खासा बनना और अभी बढ़ेगा, अभी लंबा टाइम बढ़ा, अभी इसमें एक स्प्रे और होगी, और जो हर्बिसाइड की स्प्रे मैंने मारी थी उससे समझो आपको भी अच्छे से पता है, हर्बिसाइड की स्प्रे मारते हो तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए, इफेक्टिव होती है, दो बार लग चुकी, यानी कि 15-15 दिन की अगर मार लो तो एक महीने की बढ़वार मैंने खुद रोक दी, अभी फिर से एक ट्रीटमेंट इसे दे रहा हूँ घास का, जो घास वगैरह है ये वगैरह मर जाए, एक तरफ बेल वगैरह ज्यादा हो रही है, तो किसान भाइयों के लिए अवेलेबल रहेगा। एक मैसेज भी मैं देना चाहूंगा, मेरा तो बहुत ही छोटा सा चैनल है, अभी अंडे से निकला है ये मान लो आप, मुझे किसान इस तरह के मिल रहे हैं जो मील रेट पे देने को तैयार है किसान की सुविधा के लिए सम्मानजनक तरीके से, तो क्या किसान लोग अगर व्यापारी से खरीदेंगे उनके मनमांछित भाव पे तो क्या उस चीज से सम्मान बढ़ेगा, या किसान किसान की अगर मदद में आगे बढ़ रहा है उसमें सम्मान आगे बढ़ेगा, ये इस बारे में भी आप ही सोच, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता। तो मेरी तो सीधी सी बात है, मैं ढूंढ रहा हूं, लगा हुआ हूं, अभी हर शहर में कोशिश है हमारी इस तरह के हमारे 5-7 किसान भाई आगे लिखड़का हुए और इस मुहिम को थोड़ा सा आगे बढ़ावे, ताकि हम किसानों की मदद के लिए हर किसान के बस की नहीं लेना, और जिन्होंने फालतू लेके बो रखा, अगर मुझे बोना होता सोचो मेरे पास में नहीं था, मैं अपनी ही बुआई के लाख बोता, यानी कि अपनी ही बुआई जितनी बुआई में अपनी कर सकू, मैंने ज्यादा बो रखा, मैं किसानों सुविधा कर, मैं व्यापारी नहीं बना। अब जिसने लगा रखा या लगा लिया, अब उसे व्यापारी बनने की सूझ रही, वो किसान ही है जो फिर भी इस तरह की बात कर रहा है, तो अपने लिए नहीं बोया उन्होंने, अपने लिए बाद में बोया, पहले दूसरे के लिए बोया,
धंधा करने की प्रवृत्ति है तो धंधे पंधे के चक्कर में ना पड़ो, किसान किसान के काम नहीं आने को तो क्या होगा। अभी इतने बुरे दिन है और यूट्यूबरों ने अंधेरे में रख रखे थे पूरा रोशनी, उन्होंने भी इस वैरायटी पे अच्छे से नहीं डाल ली, उन्होंने तो मुझे फन कर मेरठ पकड़ रखा, बागपत पकड़ रखा, ऐसा लग कहीं नहीं जा रहे। बाहर की विजिट हम कर रहे हैं, बिजनौर की विजिट हमने करी, सहारनपुर की विजिट हम करी और अभी बिहार की भी कुछ वीडियो हम लॉन्च करेंगे जल्दी, उम्मीद करो उस तरफ अगर चले गए उधर की भी क्या समस्या आ रही है क्या समस्या नहीं सारी चीजें की लग रही। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बस छोटी सी बात खत्म कर रहा हूं। आप मैं अंडा चैनल, छोटा सा चैनल अंडा ही चैनल बोल लूंगा, मैं ढूंढ रहा हूं इस तरह किसान, मुझे मिल भी रहे हैं लोग, हाथों हाथ हमें ले भी रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, गले लगा रहे हैं हमें, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी कुछ व्यापारी लोगों को ये चीज अच्छी लग रही, उल्टी सुधी कमेंट वहां पे देते हैं, उन्हें तो बिजनेस करना, तो भाई बोलते हैं कुछ, ये भी कह रहे हैं कि मीलेट पे कौन देगा, तो सबसे पहले तो भाई हम ही बैठे हम देंगे सबसे पहले जिस जो भी चाहेगा। और रोज एक वैरायटी अपने खेत में से, एक वैरायटी की रोज अनाउंसमेंट करूंगा जो मेरे पास में है, और मील रेट पे मैं किसान को दूंगा, सारी एक वीडियो में नहीं डालने का, एक वैरायटी की रोज घोषणा करूंगा, ये मेरा वादा आपसे जो भी मेरे पास में है, जितना भी बीज मेरे पास में। तो कृपया करके जो बड़े बड़े चैनल है जो 40-50 हजार ले बैठे, 2-2.5 लाख ले बैठे, इससे भी ज्यादा हो कम भी हो, तो कृपया इस मुहिम में हमारा साथ दे और भाई थोड़ा सा किसान को इसे भी उबार लो, इसे भी उबार लो, खुद तो अनुसंधान केंद्र से लाए बीज जाके और किसान को दे, उसका भी नंबर व्यापारी का भी लिख के, तो क्या समझे दाल में काला या दाली काली काली दाल कर रखी इन्होंने बिल्कुल, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आके वीडियो बनाओ, हमारी वीडियो बनाओ, हमें भी दोस्त, हमें भी बहुत लोग जानेंगे इस तरह से, हम अपना नंबर भी देंगे तो हमारी मुहिम हमारे साथ लगेंगे। भाई इन्हें भी मदद के लिए आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, किसान इतना संपन्न नहीं है हर आदमी लेके लगा लगे से 10-10 की, जो है व्यापारी वर्ग लगा रहा है जिन्हें धंधे करने, हमें धंधा नहीं करना ना, हम कोशिश यही रखेंगे किसान लूटने पिटने से बचे, तो हमारा यही प्रयास है। तो भाई बस एक छोटी सी बात कहूं, थोड़ा बढ़ के थोड़ा सा सहयोग करें इस मुहिम में, जो मुहिम हमने छोड़ रखी है, किसानों को इससे फायदा होगा, किसी एक विशेष वर्ग को कभी भी बढ़ावा नहीं मिलेगा, हम बढ़ावा देंगे तो किसान के लिए देंगे, और जो रूप है जो चीज हमने दिखाई है वो किसान ही है, किसान ही दिखा सकता है सच्चाई, कभी भी बेचने वाला आपको वो नहीं दिखाने का बुराई, जो चीज हमने दिखाई जहां समस्या थी हमने वो चीज बात रखी है, और हमारा किसी से कहीं कोई वो नहीं है, कोई हमें किसी से दिक्कत या परेशानी हो, बस जो कर रहे करो, पर वक्की कहने का जो जहां हमारे पे मदद होगी हम पूरी पूरी कोशिश रखेंगे। तो भाइयों एक चीज और कमा कर पे, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह की वीडियो जो डाली जा रही है इन्हें ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो ताकि और किसानों तक हमारे चैनल की पहुंच बढ़े और चैनल भी इस मुहिम में हमारे साथ में जुड़े और किसानों को इस लूटपीट वाली दुनिया से, डकैती वाली दुनिया से थोड़ी सी निजात मिले। लिंक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट वगैरह जरूर दें। तो ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो को विराम देता हूँ। रोहित कुमार का प्रणाम, नमस्कार।